तो दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिल्वर प्ले बटन, जो कि YouTube की तरफ से अवार्ड दिया जाता है जो लोग अपने चैनल पर साफ सुथरा काम करते हैं। और जो भी लोग YouTube पे आ जाते हैं उन लोगों का यह सपना होता है कि भैया YouTube का जो अवार्ड होता है वो हमें कम से कम मिल जाए। यह अवार्ड आपको तभी मिलता है जब आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया था और YouTube को जो हम बताए सिल्वर प्ले बटन के लिए, तो वो लोग साफ साफ मना कर दिए कि आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आखिर क्या किए जिसके वजह से मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल गया, आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम का है, आज नहीं तो कल इस वीडियो को आपको जरूरत ही होगा। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर इस सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कभी ना कभी आपको काम का आएगा। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों सच में अगर आपका यूट्यूब से लगाव है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, देखिएगा दोस्तों मेरे चैनल पे जब 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया था और YouTube की तरफ से मुझे बता दिया गया था कि आपको यह सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा, तो दोस्तों हम आशा छोड़ दिए थे कि चलो भाई नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हम काम करें। लेकिन दोस्तों हम कुछ अपना खुरपाती दिमाग लगाए और दोस्तों इस सिल्वर प्ले बटन को हासिल कर लिए। दोस्तों क्या रीजन था जिसकी वजह से नहीं मिल रहा था, मैं एक वीडियो बना के डाला हूं, उस वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर हम क्या दिमाग लगाए थे। तो सबसे पहले तो आपके चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों एक सप्ताह तक आपको इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने के बाद दोस्तों आपके चैनल का जो डैशबोर्ड होता है उसी में ऊपर की तरफ रिडीम कोड दे दिया जाता है और उसी रिडीम कोड के जरिए आप सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हैं। जब तक आपको वो कोड नहीं मिलेगा आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि वह साइड ही ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों जब मुझे एक सप्ताह इंतजार करने के बाद मुझे जब सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला तो दोस्तों हम YouTube टीम से बात किए, मैसेज पर भी और मेल पर भी, तो वह साफ साफ बोल दिए कि भाई साहब आपको यह नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों हम उस समय जो भी मेरे चैनल के अंदर गलती था उस गलती को हम सुधार लिए। उसके बावजूद भी जब हम मेल किए उन लोगों के पास, चैट पे बात किए, तब भी वो लोग बोल रहे थे कि भैया आपको यह सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा। तो उस समय हम अपना बिहारी दिमाग लगाए, सबसे पहले तो हम अपने चैनल का नाम ही चेंज कर दिए। मेरा चैनल का जो वेरिफिकेशन बैच था वह भी लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों उसका हम टेंशन नहीं लिए, चैनल का नाम चेंज कर दिए। चैनल का नाम चेंज करने से क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है उसे लगा कि यह नया चैनल है। और दोस्तों फिर से जितना भी मेरे चैनल के अंदर गलती था सबको हम सुधार कर दिए थे। और दोस्तों फिर से हम यहाँ पर यूट्यूब टीम के पास मैसेज करते हैं, चैट पर बात करते हैं और उन्हें बताते हैं जितना भी मेरा गलती था सारा मैं सुधार दिया हूँ, अब मुझे कृपया करके आप लोग रिपोर्ट दे दीजिए। तब दोस्तों वहाँ पर जो मुझसे बात कर रहे थे चैट पर वो बोले कि इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 5 से 7 दिन तक वो लोग चेक किए मेरे चैनल को और 5 से 7 दिन के बाद चेक करने के बाद मेरे पास मेल करके वो लोग बताते हैं कि आपको रिडीम कोड दे दिया गया है। मेल करने से पहले मेरे चैनल का जो डैशबोर्ड था उसी में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था जो रिडीम कोड होता है, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो दोस्तों उस रिडीम कोड को हम कॉपी करके लिख लिए और दोस्तों वहां पर स्क्रीनशॉट भी मान के रख लिए। और दोस्तों अगले दिन क्या हुआ कि वह रिडीम कोड वहां से हो गया गायब। अब वहां से हो गया गायब तब उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया कि अरे भाई अब हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां पर मेल आया था कुछ इस तरीके से और इसमें जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम इस सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई किए। और दोस्तों उसके अगले ही दिन दोस्तों मेरे पास मेल फिर से आता है और वहां पर रिडीम कोड दिया जाता है और अप्लाई करने के लिए वहां पर लिंक दिया जाता है। तो दोस्तों जब हम वहां पर क्लिक कर रहे थे तो पहले ही अप्लाई कर दिए थे तो भैया खुल नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों हमारा अप्लाई सक्सेसफुल हो गया था। तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर यह रिडीम कोड आप कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हम आपको बता ही दिए। और दोस्तों अगर आपको रिडीम कोड डैशबोर्ड में मिला है और दोस्तों वो भाग गया है तो उसे आप कैसे पता कीजिएगा और कैसे अप्लाई कीजिएगा, या दोस्तों आपको रिडीम कोड मिला है तो दोस्तों रिडीमशन जो साइड होता है उस पर क्लिक करके आप कैसे अप्लाई कीजिएगा। अगर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको मेल मिला है तो देखिए इसमें जो आपको रिडीमशन साइड दिखाई दे रहा है इस पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सिल्वर प्ले बटन है इसे अप्लाई करने का बहुत तरीका है, जैसे कि मैं आपको 3 तरीका इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है और वहां पर जो रिडीम कोड आपको मिला है उस कोड के सामने देखिएगा तो पहले तो कोड को आप कॉपी कर लीजिए। और दोस्तों जो क्लेम नाउ दिखाई दे रहा है, दावा करें अगर हिंदी में होगा तो दावा करें दिखाई देगा, तो इस पर भी क्लिक करके जो रिडीम कोड है इसे आप डाल के कर सकते हैं। सारा प्रक्रिया सेम है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिएगा दोस्तों आपका जो यहाँ पर रिडीम कोड है वह भाग गया है तो उसे कैसे पता करके आप कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए अगर दोस्तों आप डैशबोर्ड पर जाते हैं और
क्लेम नाउ पे क्लिक करते हैं तब भी दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं वह पार्ट होगा, वहां से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मेल मिला है इसमें रिडीम्पशन साइट दिखाई दे रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप अप्लाई कराए तो इस वीडियो को देखिए वहां पर कहीं ना कहीं पार्ट मिलेगा। अगर दोस्तों आपका दोनों का दोनों भाग गया तो कैसे पता कीजिएगा और फिर से कैसे अप्लाई कीजिएगा ये मैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कन्फर्म आपको यह सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। और दोस्तों सिल्वर प्ले बटन जो आपका आपके इंडिया में आ जाता है, यह दोस्तों अमेरिका से आता है तो इंडिया में आ जाता है तो वहां पर केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। तो वह केवाईसी कैसे कंप्लीट किया जाता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताया हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार की एक नई वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो भैया आपको कुछ इस तरीके से मेल मिला होगा और इस मेल में आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा क्रिएटर अवार्ड एलिजिबिलिटी बीच में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको इस तरीके से नीचे की तरफ जाना है तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा रीडीम क्रिएटर अवार्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है। इसमें 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जो आपको रिडीम कोड मिला था अगर उस रिडीम कोड को आप खो दिए हैं, आपको पता नहीं है, तो दोस्तों आप उस रिडीम कोड को निकाल भी सकते हैं और वहीं से आप अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं सिल्वर प्ले बटन के लिए। और दोस्तों आपके पास रिडीम कोड है तो आप यहाँ से दोस्तों उस वेबसाइट पर जाकर डाल के आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, आप चाहते हैं तो 3 नंबर वाला भी कर सकते हैं। 2 नंबर वाला में आप अपना रिडीम कोड निकाल भी सकते हैं और वहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी फॉलो करते चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर वाले में आप देखिएगा तो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा क्रिएटर अवार्ड्स एलिजिबिलिटी पेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है और जिस जीमेल आईडी से आपका यह यूट्यूब चैनल है वह जीमेल आईडी अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो नो वाले पर क्लिक कीजिए। मेरा वही है, आपका भी वही होगा, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर कंटिन्यू का बटन नहीं मिल रहा है तो इंग्लिश हिंदी वाला जो दिखाई दे रहा है इसमें जो क्रॉस का सिंपल है इस पर क्लिक करके हटा दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछ रहा है आपके चैनल का URL, वह डालिएगा, उसके बाद ही आपको रिडीम कोड देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में तो आप थे ही, तो अब आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर पेज बना हुआ होगा आपका कितना भी हो सकता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक कर देना है, या दोस्तों पहले से अगर आप अपना चैनल URL निकाल के रखे हैं तो उसे आप डाल सकते हैं। चैनल URL निकालने के लिए आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड पे जाना है, तो studio.youtube.com लिख के हम सर्च करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे चैनल का जो डैशबोर्ड है वह यहां पर ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए नीचे की तरफ आप देखिएगा तो आपको एक सेटिंग का आइकन बना हुआ मिलेगा। यहां पर देखिए आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा यहां पर, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां पर चैनल वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एडवांसेड सेटिंग्स पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ जाइएगा तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मैनेज यूट्यूब अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए हम फिर से क्लिक करते हैं मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो भैया यहां पर क्रोम ब्राउजर पर हमें क्लिक कर देना होगा। यूट्यूब में जाएगा तो क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर एडवांसेड सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपका यूजर आईडी और चैनल आईडी मिल जाएगा। तो हमें चैनल URL चाहिए तो यही हो गया हमारे चैनल का आईडी। तो अब आपको चैनल आईडी के सामने कॉपी दिखाई देगा लिंक के सामने, तो इसी कॉपी पे क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया कॉपी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पेज ऊपर की तरफ बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर ये वाला टैब ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, इस बॉक्स में यहाँ पर दबा के रखना है, पेस्ट पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पर यह आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रिडीम्पशन कोड, यानी कि आपका रिडीम कोड। अब आपको इस रिडीम कोड को कॉपी करके रख लेना है, या दोस्तों आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे भी आपका यह रहे आपके पास। तो चलिए हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो रिडीम कोड मिला हुआ है इसे अब हमें कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर हम रिडीम कोड पर दबा के रखेंगे, यहाँ पर देखिए दबा के रखेंगे तो भैया यहाँ पर यह हो जाता है ब्लू। उसके बाद हमें कॉपी पर क्लिक कर देना है, भैया यह हो गया हमारा कोड।
कॉपी, अब उसके बाद आपको रिडीम माय अवार्ड पे क्लिक कर देना है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको प्ले बटन दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको अपना रिडीमशन कोड डाल देना है जो आप कॉपी किए थे, तो यहाँ पर दबा के रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दबा के रखिए, पेस्ट आएगा, पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर रिडीम अवार्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। हम चलिए फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर चलने लगा और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब होता है यहाँ से आपका सारा खेल स्टार्ट। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना है। यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल नेम पूछ रहा है, तो दोस्तों नॉर्मल बात है जो भी आपके चैनल का नाम है वहीं सही सही स्पेलिंग लिख दीजिए। तो चलिए हम इस बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, जो वहाँ पर लिखिएगा वहीं आपके सिल्वर प्ले बटन पर लिखा हुआ आएगा जो कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अप्रूव एंड चेकआउट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो भैया यहाँ पर आपका यहाँ पर एडिंग हो रहा है और थोड़ी देर तक वेट कीजिए, उसके बाद आपका यहाँ पर सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो थोड़ी देर तक यहाँ पर आपको वेट करना है जब तक यहाँ पर यह लाइन घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं और भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी पैसा इसके लिए आपको पे नहीं करना है, यह आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है वहीं जीमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर कंट्री आपसे पूछ रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका कंट्री है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा है इंडिया, तो दोस्तों मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका देश होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी देश में आपका यह भेजा जाता है। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पर हम क्लिक कर देते हैं, इंडिया आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप उन्हीं का नाम डालिएगा जो इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। जैसे कि डिलीवरी बॉय आएंगे तो वो यहाँ पर आईडी प्रूफ आपसे इसी में भरने के लिए आएगा। जैसे कि नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे आधार नंबर नहीं तो पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। तो जिनका आप आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं उन्हीं का आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। और जब सिल्वर प्ले बटन आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा तो वह आईडी प्रूफ डिलीवर जो डिलीवरी बॉय आएंगे वह आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे और आपका नाम चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको सिल्वर प्ले बटन देंगे। तो दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट में जिनका नाम है उन्हीं का आप डाल दीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो आप अपना भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एडसेंस वाला ही डालिए, जिससे कि दोस्तों और ज़्यादा चांस है कि जल्दी से जल्दी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर कंपनी अगर आपके पास आए तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर तीन लाइन में आपको एड्रेस लिखने के लिए आया है, तो जितना में आपका पूरा एड्रेस अट जा रहा है उतना में लिख दीजिए, जैसे आपके एडसेंस अकाउंट में एड्रेस है वैसे डाल दीजिए, जिससे कि उसी एड्रेस पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिटी पूछ रहा है तो आपके एडसेंस अकाउंट में सिटी भी आपका होगा, आपके आधार कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ होगा तो वो आपको डाल देना है। यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, मैं हूँ बिहार से तो बिहार पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीप पोस्टल कोड पूछ रहा है, तो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि मेरा 84 34 33 है। तो दोस्तों जो भी आपका पोस्टल कोड पिन कोड जीप कोड है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपका हमेशा चालू रहता है और आपके एडसेंस अकाउंट में डाला गया है, जैसे कि जो डिलीवरी बॉय है वह आपके पास आए तो आपको कॉल करके बता दे कि भैया आपका ऑर्डर है, पार्सल है, आप आके ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है VAT नंबर यानी कि VAT नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर VAT नंबर पूछ रहा है, तो VAT नंबर अगर आपके पास आए तो डालिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर VAT नंबर डालना जरूरी है, अगर आपके पास VAT नंबर नहीं है तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम भी अपना पैन कार्ड नंबर ही इसमें डाले थे, लेकिन आप ना ही डालिए यहाँ पर VAT नंबर ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा, इसी में आपका भलाई है, नहीं तो दोस्तों गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर यानी कि पैन आईडी पूछ रहा है, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला में अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए और नीचे वाले में आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सारा कुछ मैं भर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलता हूँ। सारा अपना डिटेल्स डाल दिया हूँ, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भैया यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपना सारा कुछ
मिला लेना है। जो भी आप डाले हैं क्या आपका वो सारा कुछ सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं। अब दोस्तों आपका संतुष्टि हो जाता है कि जी हाँ भैया मैं सही तरीके से सारा कुछ डाला हूँ, तो अब आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा भैया यहाँ पर यह आपका ऑर्डर हो गया। दोस्तों हमारा ऑर्डर हो गया, अब हमें इंतजार करना है 1 महीने तक का। अब आप लोग कहेंगे कि अरे भैया 1 महीना क्यों इंतजार करें, क्योंकि दोस्तों यह जो हमारा YouTube का अवार्ड होता है यह अमेरिका से आता है, अमेरिका से हमारे इंडिया में आता है या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहां पर जाता है, तो UPS कुरियर सर्विस है, इसी के जरिए हमारे पास आता है। तो जब हमारे इंडिया में हमारा जो यह जो अवार्ड है सिल्वर प्ले बटन यह आ जाएगा तो UPS की तरफ से हमारे पास एक कॉल आएगा, जो नंबर डाले हैं उसी पर आएगा और वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका पार्सल है, अब आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, वहां पर काफी ज्यादा ऑप्शन होता है, तो वह 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद आपके पास सिल्वर प्ले बटन या कोई भी अवार्ड आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस अवार्ड के लिए आप KYC कैसे कंप्लीट कीजिएगा, और दोस्तों यहां पर आपको कॉल पर बात किया जाएगा, तो वहां पर दोस्तों अच्छा तरीके से आपको बात करना है और नंबर हमेशा आपको चालू रखना है जिससे कि कॉल कभी भी आ जाए। और दोस्तों आपको वह लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपके मेल पर भी, जहां से आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या मैसेज में भी आपको वह दे देते हैं। अब चलिए मैं स्क्रीन पर चलता हूं और आपको अच्छा तरीके से बता देता हूं। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको मैसेज को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपके पास UPS के तरफ से KYC कराने के लिए एक मैसेज आया होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये पूरा पढ़िएगा तो इसमें आपको आपका जो लिंक है जहाँ पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं वो लिंक दिया गया होगा, https://UPS, और दोस्तों यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ गूगल क्रोम ब्राउजर आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, इसके लिए आपको जीमेल को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको एक मेल मिला होगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अभी UPS की तरफ से आया होगा आपका KYC के लिए। जब तक ये KYC आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस मेल को अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी वही लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों दोनों को मिला सकते हैं, वही लिंक है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लू लिंक वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज वाले में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं लिंक पे, यहाँ पर जो ब्लू कलर का है इस पे, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर पे हम क्लिक कर देते हैं, तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, जो नंबर को हम डाल के सिल्वर प्ले बटन को जो सिल्वर प्ले बटन हमारा था उसे ऑर्डर किए होंगे उस नंबर पर आएगा OTP, और दोस्तों जिस जीमेल आईडी से हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आएगा OTP, सेम OTP होता है। तो जो आपके पास सबसे पहले आ जाए उसी को यहाँ पर डाल देना है, सेकेंड बीतने से पहले, इस सेकेंड के अंदर ही आपको डालना पड़ेगा। अगर अंदर नहीं डालिएगा टाइम खत्म हो जाएगा, तो उस OTP का कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा आ गया है, मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों जो आया है उसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर वेरीफाई एक्सेस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कस्टमर टाइप, तो यहाँ पर देखिए प्लीज सेलेक्ट कस्टमर कैटेगरी। अगर दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो ये चैनल है मैं इसे अकेले चलाता हूँ, और जो मेरा सिल्वर प्ले बटन आ रहा है इसे मैं खुद से जाके यहाँ पर लेना चाहता हूँ, और दोस्तों मैं अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा तो इंडिविजुअल है, एडसेंस अकाउंट भी इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों उसके बाद गो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है, यहाँ पर KYC डिटेल्स मांग रहा है। तो दोस्तों 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा, पहला स्टेप में तो यह पूरा कुछ आपका डाला हुआ आ गया है, तो इसमें से देख के मिला लीजिए सब कुछ आपका सही है। उसके बाद दोस्तों सही है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपका सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों हमारा दूसरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे अपने पास मंगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मेरा यहां पर देखिए कि दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर 2 डॉक्यूमेंट देना है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यहां पर दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिल्वर प्ले बटन आएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों आधार कार्ड पूछ रहा है, तो आधार कार्ड का 2-2 यहां पर ऑप्शन है, पहला आधार कार्ड, दूसरा आधार कार्ड बैक। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग अटैच नहीं कर पाते हैं अपने आधार कार्ड के फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, तो इस समय आप यहां पर आधार कार्ड बैक वाले पर क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों सिर्फ पीछे वाला अपलोड कर सकते हैं, नहीं
तो दोस्तों दोनों को अटैच करके रखे है। तो दोस्तों अटैच कैसे किया जाता है दोस्तों, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि पिक्सल ऐप से आप जाके कर सकते हैं और इमेज साइज भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पीछे वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे आगे पीछे दोनों करना है इसलिए, नहीं तो दोस्तों सिर्फ पीछे वाला करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और चाहिए, तो इसके लिए मैं पैन कार्ड पर टिक लगा देता हूँ। यह दोस्तों आपका हो गया। अब दोस्तों नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, और दोस्तों सामने की तरफ आइएगा तो यहाँ पर ब्राउज लिखा हो गया होगा, तो इस पर क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं, नंबर और आधार नंबर डाल दिया हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लिए आधार कार्ड आपको ऊपर वाले में अपलोड करना है, तो चलिए हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। और दोस्तों अब हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करते हैं, और दोस्तों जो हमारा फोटो यहाँ पर हम बना के रखे हैं, तो यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करके अब दोस्तों हम यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जो हम बना के रखे, तो यह हो गया हमारा, दोनों अटैच करके रखा हूँ। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो भैया यह हमारा यहाँ पर आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों पैन कार्ड अपलोड करना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों अब यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों हमारा जो यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं कैमरा फोल्डर में मैं रखा हूँ यहाँ पर पैन कार्ड वाला, तो चलिए हम पैन कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। यह अभी हमारा अपलोड हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है और सबमिट केवाईसी पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो भैया यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करना है, आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और दोस्तों आपको मेल भी के जरिए बता दिया जाएगा। चलिए सबमिट केवाईसी पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर कीजिएगा, आपका इस तरीके से आ जाएगा और यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, केवाईसी डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू यूपीएस, यहां पर हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जिस नंबर पे आपका कॉल आया था उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना कम्प्लीट कर दिया हूँ। तो अब दोस्तों एक सप्ताह के अंदर आपके पास आपका सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, केवाईसी कम्प्लीट हो गया। अब दोस्तों उन्हें कॉल करके बता दीजिए कि हम अपना केवाईसी कम्प्लीट कर लिया है, जिस से आपके पास कॉल आया था। और दोस्तों जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो आपके घर पे आके आपका सिल्वर प्ले बटन दे के जाते हैं, इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में यह होता है। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं सिल्वर प्ले बटन हमारा कैसा है, तो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें मैं आपको बताया हूँ कि आखिर कितना दिन के अंदर हमारे पास हमारा सिल्वर प्ले बटन आया है।